तो हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि है पार्शियल रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी। दोस्तों, अगर आपने भी आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन दिया था और या फिर आपने फॉर्म भरा था पिछले बार में, तो आपने एग्जाम दिया होगा, तो उसमें कहा गया था कि आपकी जो फीस है वो पार्शियली रिफंड किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे लेटेस्ट 30 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। एज पर ये जो नंबर है, इस नंबर के आधार पर कैंडिडेट जो कि अपियर हुए थे फर्स्ट स्टेज सीबीटी में, मतलब सीबीटी वन में जो अपियर हुए थे, जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 22 मई, 2 जून 2019, टोटल 12 दिन के लिए, और 26 से 28 जून 2019 तक के लिए, तो टोटल 3 दिन। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जो है वो इस एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे सीबीटी वन में, उन्हें जो है पार्शियल रिफंड ऑफ दियर एग्जामिनेशन फी, जो कि आपकी 250 था एसटीएससी के लिए, XSM PWBD फीमेल और माइनॉरिटी ABC ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए, साथ ही 500 थी जो कि थी जनरल कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों, आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्ज एज एप्लीकेबल, वो आपकी जो अमाउंट है आपके अकाउंट नंबर पे वापस से सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने अपना रिफंड जो है वो प्राप्त कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने अपना अकाउंट नंबर गलत कर दिया या फिर सबमिट किया था, जिसके कारण टेक्निकल रीजन के कारण जो है आपका फी रिफंड नहीं हो पाया था। उन कैंडिडेट का यहाँ पर एडवाइस किया जाता है, उनको बताया जाता है कि वो अपना जो है, यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाकर के अपनी डिटेल्स को फिल कर लें, ताकि जो है आप अपना जो फीस है वो रिफंड कर सके। तो यहाँ पर आपको डिटेल जो रिक्वायर्ड है वो दी गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कम्युनिटी, आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डेट ऑफ सीबीटी जो सीबीटी वन का एग्जामिनेशन, बैंक अकाउंट होल्डर्स नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड, साथ ही बैंक का नाम। यहाँ पर बताया गया है कि जो ये पार्शियली रिफंड का जो प्रोसेस है आपका, अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो जो, वो 31 तारीख, 31 जुलाई 2021, 23:59 तक है। जो पार्शियली रिफंड जो है वो होगा आपका एडमिशन सब्जेक्ट टू, जो वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद आपके जो पार्शियल रिफंड है वो आपको दिया जाएगा। अगर गलत या फिर अधूरा जो भी जानकारी है वो हुआ, तो आपकी जो ये पार्शियल रिफंड है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपको सिर्फ एक ही पार्शियल रिफंड जो है पर बैंक अकाउंट में मिल सकता है, मतलब एक बैंक अकाउंट में सिर्फ एक ही इंसान को, एक ही कैंडिडेट को रिफंड मिलेगा, एक बैंक अकाउंट में दो लोग को नहीं मिलेगा। साथ ही पार्शियली रिफंड के लिए जो लिंक है अप्लाई करने के लिए, उसकी लिंक सभी को एसएमएस के थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अप्लाई रिफंड प्रोसेस के लिए आरआरबी जेई के, जिन्होंने भी सीबीटी वन का एग्जामिनेशन दिया था, तो जल्दी करिए, कहीं देर ना हो जाए।